परंपरा के नाम जानलेवा खेल खेला जाता है। प्रसिद्ध गोटमार मेले में लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। कल छिंदवाड़ा के पाडुना में इस मेले का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने परंपरा के मुताबिक पत्थर फेंके। पत्थरमार इस मेले में करीब 650 लोग घायल हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह परंपरा के नाम पर पत्थर युद्ध चल रहा है। गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है एमपी में, जहां पर परंपरा के नाम पर एक दूसरे को पत्थर मारे जाते हैं। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश चांडक फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। महेश, ये परंपरा के नाम पर कैसा खेल है, क्या प्रशासन इसको रोकता नहीं है? जिले का तीन पुरानी एक परंपरा जो चली आ रही है, जिसमें एक दूसरे पर पत्थर और एक दूसरे को पत्थर से घायल किया जाता है। लगभग ये परंपरा के नाम पर जो इस तरह की पत्थरबाजी होती है, इस लेकर के प्रशासन में काफी व्यवस्था भी करती है, परंतु प्रशासन इसको ना तो रोक पा रहा है और ना ही कुछ कर पा रहा है। इस बार रबर की गेंद प्रशासन ने उपलब्ध कराई थी, परंतु दर्शकों ने और जो लोग खेलने वाले हैं उन लोगों ने परंपरा के नाम पर रबर की गेंद को अलग कर दिया और खेला। और इस बार के मेले में जो है 650 के ऊपर लोग घायल हुए हैं, 5 गंभीर हुए हैं, जिनको दो को लाकर कर दिया गया है। परंतु परंपरा के नाम पर यह चला आ रहा जो ये ठीक है, ना तो प्रशासन रोक पा रहा है और ना ही वहाँ के जनप्रतिनिधि और कोई अन्य लोग रोक पा रहे हैं। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश, जो बता रहे थे कि परंपरा के नाम पर किस तरह से मध्य प्रदेश में पत्थर युद्ध किया जाता है।